मुश्किल है जीना। खैर जो हुआ वो हुआ, अगर मेरा भाई खुश है तो मैं भी खुश हूँ। तुम भी संबुल की तरह बहुत अच्छी हो। रामीन भी हाथ से निकल गई और ये जुबिया कि मेरी जरा से भी नहीं सुनती है। तो मेरी बात गौर से सुनो, आपको रामीन अपनी जिंदगी में वापस चाहिए ना, और मुझे हुमायूं का घर, तो बस जैसा कहता हूँ वैसा करो। मैं मुदस्सर के साथ गई थी वहाँ फराह की तरफ, अब वहाँ कोई और लोग रह रहे हैं। क्या? अपना सारा ध्यान अब सिर्फ बिजनेस पे लगा, क्योंकि अगर अब जुबिया के शेयर्स गिरे ना तो मैं तो तुम्हारा गिरबान बाद में पकड़ूंगा, उससे पहले तुम्हारा गिरबान जुबिया पकड़ेगी। तो तुम क्या समझते हो, अगर फराज को वक्ती लॉस हो रहा है तो तुम सबकी मिली भगत की वजह से हो रहा है। वैसे एक बात बता दूं मैं तुम्हें, मुझे बाजी पलटना बहुत अच्छे से आता है। रामीन, रामीन जी, रात में तैयार हो जाना, हमने डिनर पे जाना होगा। लेकिन कहाँ? काशान क्या? हुमायूं, तुम्हें अच्छी तरह पता है काशान के साथ फराज भी रहता है, और मैं उसकी सूरत तक देखना नहीं चाहती। फराज चाहे कहीं भी रहता हो, किसी के घर पे भी पड़ा हो, हमें उसे क्या लेना देना है। काशान मेरा कजन है, उसने हम दोनों को इनवाइट किया है। लेकिन लेकिन क्या रामीन, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं, फराज से तुम जितना डरोगी वो तुम्हें उतना ही डराएगा। एक दफा, सिर्फ एक दफा उसकी आंखों में आंखें डाल के देख लो, मेरी मानो, वो तुमसे डरने लगेगा। बहरहाल प्लीज रात में टाइम से तैयार हो जाना, लेट नहीं होना मैंने। ओके अरे आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? अरे हाँ, काशान ने हमें दावत पे बुलाया तो बस वहीं जा रहे हैं, थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। चले हुमायूं, तुमसे एक बात करूं तो बुरा तो नहीं मानोगे? उस्मान कैसी बात कर रहे हो, क्यों बुरा मानूंगा? मेरे ख्याल से तुम्हें भाभी को उस गंडी ले जाना चाहिए, रिश्ते इस कदर उलझ गए कि जितना फासला रखोगे उतना बेहतर रहेगा। उस्मान मुझे अंदाजा कि तुम क्या कहना चाह रहे हो, लेकिन मैं गलती पे नहीं हूं जो लोगों से अपना मुंह छुपाता फिरूं। जो लोग गलती पे हैं वही अपना रुख बदले, हमें अब चलना चाहिए। चले ओके, अल्लाह हाफिज। अम्मा, जो मुझे जाज्बा आपा ने कहा मैंने आपको बता दिया, अब इसे ज्यादा तो मुझे मालूम नहीं है। शगुफ्ता, ये कैसे हो सकता है कि दुनिया में किसी का कोई रिश्तेदार ही ना हो, लड़के का कोई आगे पीछे है ही नहीं। अरे भाई, अगर घर में ताला पड़ा है तो कोई मिलने जुलने वाला, कोई बिरादरी वाला तो होगा, वहाँ जाके पता कर ले। दादी, लेकिन फुप्पो तो मुझे बता रही थी कि फरा के ससुराल वाले अच्छे खासे खाते पीते घर आने के हैं और दुबई में वेल सेटल्ड भी है। अरे तो होंगे दुबई में सेटल, लेकिन पाकिस्तान में भी उनका कोई मरा जीता होगा या नहीं होगा, यहाँ क्यों नहीं पता करते? तो अम्मा आप माँ हैं, आप पूछे ना, हमें तो कुछ नहीं बता रही, बस खामोश हुई हुई है। बस रहने दो शगुफ्ता, मैं तो नाम की माँ हूँ, उसने मुझे माँ समझा कब है। लेकिन चलो ठीक है, तुम लोग कह रहे हो तो मैं पूछूंगी, अब पता करूंगी। दादी पता करके ना मुझे भी बताइएगा, मैं अपने तौर से भी पता करने की कोशिश करती हूँ। मेरी ना एक ऑफिस में कोलीग है जो उस एरिया में रहती है, शायद उसे कुछ पता हो। अरे भाई, तुम लोगों ने तो मुझे ये बात बता के परेशान ही कर दिया है, बस मेरी बच्ची जहाँ भी हो अल्लाह पाक उसे अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे,
बहुत दिल परेशान है मेरा। और ये अजहर का क्या किस्सा है भाई, ये रोजाना दुकान से आके पता नहीं कहाँ चला जाता है। अम्मा मुझे नहीं पता, बता रहे थे कोई दोस्त बीमार है उसकी आदत को जाते हैं। पता नहीं भाई, सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त हैं। हुमायूं यार, तुम दोनों अकेले आ गए, कम से कम उस्मान और सिद्दला को साथ में लेकर आते अच्छा होता, हम साथ में डिनर कर लेते। यार काशान, तुम तो जानते हो सिद्दला कितनी मूडी है, उन दोनों का अपना बाहर का कोई प्लान था तो मैंने भी ज्यादा फोर्स नहीं किया। वैसे काफी टाइम हो गया है, ये लोग वापस कब जा रहे हैं? यहाँ पे उसके दोस्त और फैमिली वाले दोनों हैं, तो बस थोड़ा लंबा स्टे कर लिया है। ये ले, जुबिया भी आ गई। कहाँ रह गई थी तुम? हम लोग इतनी देर से तुम्हारा वेट कर रहे थे। चलो अच्छा हुआ तुम आ गई। क्यों मैं हूँ? ओ, तो ये हैं आपके स्पेशल गेस्ट जिनको आपने डिनर पे बुलाया है, हाँ? जुबिया, किस अंदाज में बात कर रही हो तुम? भाई, अगर मुझे पता होता ना कि ये लोग आ रहे हैं तो मैं और लेट आती। बहुत अफसोस हुआ मुझे, ये उम्मीद नहीं थी मुझे आपसे। क्यों जोबिया, क्या मैं तुम्हारा कजन नहीं हूं? मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता? और तुम ये जो प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो ना, एक बात याद रखना, ये चमक दमक ना बहुत वक्ती है, कुछ हासिल नहीं होने वाला तुम्हें इसमें से। हुमायूं, चले यहां से, इसलिए मैं यहां नहीं आना चाह रही थी। और तुम फिर भी आ गई, हद है तुम्हारी ढिटाई पर, निकलो अभी यहां से। सुबिया, किससे पूछ के आए हो तुम लोग यहां पर? सुबिया, हाँ? किस तरह से बात, क्यों इनवाइट किया आप लोगों ने इनको यहां पर? सुबिया, जो होना था सो हो चुका। नहीं, निकलो यहां से अभी। सुबिया, दैट्स इट, लेट मी डील विद दिस। रामीन, निकलो यहां से। हुमायूं, राइट नाउ। सुबियो, ये मेरा घर है और मुझसे पूछे बगैर यहां कोई नहीं आएगा। मुझे तो यही सच लग रहा है सिद्दरा, कि शायद हुमायूं ने रामीन से शादी मोहब्बत में की ही नहीं। कैसी बातें कर रहा है उस्मान? भाई रामीन से कोई सुंबल की शादी पे पहली दफा नहीं मिले थे, उसे बहुत पहले से जानते, बल्कि उन्होंने अम्मी से रिश्ते की बात भी की थी, लेकिन उस वक्त रामीन के घर वाले नहीं माने थे। मानता हूँ सिद्दरा, लेकिन मुझे हुमायूं की समझ में नहीं आती, पर वहां रामीन को ले जाने की तुक क्या थी? बिजनेस में अलग इख्तलाफात चल रहे हैं, क्या समझती हो इन सब का मतलब क्या? देखें, फराज और साद ने भाई को बहुत तंग किया, ऐसे हालात में इंसान जिद में आ जाता है। जिद में कहीं उस लड़की की जिंदगी ना खराब कर दे वो। उस्मान, गलत बात मत करें प्लीज। भाई सच में रामीन से बहुत मोहब्बत करते हैं। अरे मोहब्बत करते तो शादी को बचा के भी रखे ना, जाहिलों से पंगा लेना ऐसे जैसे आ बैल मुझे मार। अच्छा आप अपना मूड खराब नहीं करें प्लीज, मैं समझाऊंगी ना भाई को, या फिर मैं एक काम करती हूँ, मैं रामीन से बात करती हूँ कि वो अपने तरीके से भाई को समझाए। देखो सिद्दरा, नहीं भी समझाओगी ना तो वक्त समझा ही दे। अल्लाह मेरे भाई की हिफाजत करना, उस्मान ने तो मुझे भी डरा दिया है। ये क्या हरकत थी जुबिया? हुमायूं को मैंने बुलाया था ना यहाँ पर, वो मेरा मेहमान था। आप मुझे रीजन बताएंगे उनके यहाँ पे आने का? आप मुझे और फराज को ये दिखाना चाहते थे ना कि वो आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं, मेरे और फराज से भी ज्यादा। इम्पोर्टेंट तो वो है, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं, तुम्हारे शोहर से ज्यादा। भाई इनफ इज इनफ, अब आप मेरे हस्बैंड की इंसल्ट कर रहे हैं और ये बात मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। वैसे तुम जिसके लिए इतना बिलबिला रही हो ना जुबिया, सॉरी टू से, बट उसमें इंसल्ट करने वाली कोई चीज है नहीं। आपको पहले तो फराज बहुत पसंद था,
आप उसकी और उसके भाई की बहुत तारीफें करते थे, अब ऐसा क्या हुआ है? हाँ बिल्कुल पसंद था, लेकिन इन दोनों भाइयों की हकीकत मेरे सामने ना बहुत देर में आई है, क्योंकि मैं उन दोनों भाइयों को ऑफिस में बहुत करीब से देख रहा हूँ। हाँ आप उसको बहुत करीब से देख रहे हैं, लेकिन हुमायूं की नजरों से। भाई मेरी एक बात आप गौर से सुनो, अब वो वापस इस घर में कभी भी नहीं आ सकते हैं, स्पेशली रामीन। मैं नहीं चाहती हूँ कि फराज के दिल में उसकी पुरानी यादें ताजा हो जाएं। पता नहीं जूबिया को क्यों लगता है ये फैसला दुरुस्त है, मुझे तो पहले दो फैसलों से भी बुरा हशर होता दिखाई दे रहा है। उस्मान ने भी मना किया था, मैं भी आपसे कह रही थी हमें वहां जाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन आप सुने तब ना। रामी हमने कुछ गलत नहीं किया है, फिर दुनिया से क्यों डरते फिरे? हुमायूं बाज औकात हमें ठीक रहते हुए भी डरना पड़ता है, मुझे फराज और जूबिया से कभी अच्छे की उम्मीद थी ही नहीं, मुझे वहशत होती है उनसे। वही वहशत मैंने तुम्हारे अंदर से निकाल ली है, मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि तुम वो पुरानी डरने वाली रामी नहीं रही हो। क्या हुआ किसका फोन है? उठाओ बात करो। क्यों फोन किया है तुमने? तुम्हें सिर्फ ये पूछने के लिए फोन किया है कि ये जो तुम निकाह का टैग लगा के घूम रही हो इसका सबूत भी है तुम्हारे पास? तुमने समझा हुआ क्या है? तुम हर बार कोई घटिया चाल चलोगे और मैं फंस से चली जाऊंगी। ओह तो इसका मतलब है कि तुम्हारे पास सबूत मौजूद है। गुड, संभाल के रखना, काम आएगा तुम्हारे। अच्छा तुम्हें एक बात बताता चलूं, मेरे पास भी कुछ सबूत है जो कि वक्त आने पर तुम्हें दिखाऊंगा। सिर्फ मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम्हें अचानक से शॉक ना लगे। पता नहीं अब ये क्या चाहता है? क्या चाहेगा, मरता हुआ इंसान भी आखिरी दम तक हिचकियां लेता है, बस फराज का भी यही हाल है। इग्नोर करो। मिस राबिया मेरे रूम में आए आप। मैं कम इन सर। कम इन। जी सर आपने बुलाया? व्हाट रबिश, मैंने आपसे मना किया था ना कि मुझे इस ग्रुप के साथ काम नहीं करना है, तो फिर ये कैसे हुआ? सर इस पे तो फराज साहब के साइन है। तो वही तो पूछ रहा हूं मैं, ये साइन क्यों हुए, आपने मना क्यों नहीं किया उन्हें? सर मैंने आपसे पहले ही कहा था कि फराज साहब को इस काम का कोई एक्सपीरियंस नहीं, और अब तो उन्हें कोई इंटरेस्ट भी नहीं रहा है, वो बिना सोचे समझे बिना किसी से पूछे बिना बताए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं, किसी के साथ भी मीटिंग रख लेते हैं। सर अगर आपने मजीद नुकसान से बचना है ना तो प्लीज जूबिया मैम से कहे कि बाकायदगी से ऑफिस ज्वाइन करे, या तो फिर आप फराज साहब के ऑफिस में दखल अंदाजी ही बंद करते हैं। तो आप हैं आस्तीन का साहब, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर मैंने ऐसा किसी का क्या बिगाड़ दिया है जो हर शख्स अपनी ताकत के जोर पर मुझे गिराना चाहता है। मिस्टर फराज आपको कोई भी नहीं गिरा रहा, बल्कि आप खुद को खुद के लिए गिरा रहे हैं। जब मैंने आपको लास्ट मीटिंग में मना किया था कि आप कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, तो फिर आपने ये नया कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया? आपको मालूम भी है कितने परमानेंट लगेंगे इसमें? जी बहुत अच्छे से जानता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि बिना परमिट के बगैर
हम इंटरनेशनल काम कर ही नहीं सकते। मिस राबिया, आप जा सकती हैं। जी। थैंक यू। मिस्टर फराज, आज के बाद आप किसी भी डायरेक्टर अथॉरिटी पे साइन नहीं करेंगे। आप सिंपल ऑफिस आएंगे, अपना थोड़ा बहुत काम करेंगे, लास्ट में अपनी सैलरी लेंगे और घर जाएंगे। और जो थोड़ी बहुत शेयर्स हैं ना आपके, वो जूबिया देखेगी। लेकिन थैंक यू, यू मे गो नाउ। अरे जाज़बा, तुम भी दुनिया से हटकर पता नहीं किस डगर पे चल पड़ी। अरे शॉर्टकट के चक्कर में खुद भी सारी जिंदगी पड़ी रही और बच्चों को भी वही सिखा दिया। अम्मा, आपको मुझसे हमदर्दी हो रही है या मुझे ताने दे रही हैं आप? अरे बस रहने तो बीबी, अगर ताने देने पर आई ना तो बहुत सी बातें सामने आ जाएंगी। सुना तुमने, ये सारी जो है ना, ये अकल से समझने वाली बातें, जिसको तुम समझने क्या सुनने को भी तैयार नहीं हो। कह तो रही हूँ कि मुझसे गलती हो गई। सिकंदर ने इतनी सफाई से झूठ बोले कि मेरी अकल पे पत्थर पड़ गए। अगर ये पत्थर तुम्हारे दिमाग पे पड़े होते ना तो तुम सुधर जाती। अम्मा बस ठीक कह रही हूँ मैं। अरे बगैर जाने बगैर परखे कौन अपनी बच्चियों को गैरों के हवाले कर देता है, भला बताओ। ना कोई अजीज, ना रिश्तेदार, ना कोई मिलने जुलने वाला, किसी से कोई सलाह मशवरा नहीं लिया। बताए तो जा रही हूँ, दुबई का लाग अलाप रहे थे वो, मुझे क्या पता कि झूठ बोल रहे हैं। तो दुबई के आसमान से टपका था, यहीं से गए होंगे ना दुबई। और वो तुम क्या बता रही थी कि वो किसी गांव का रहने वाला है, वहाँ का भी एड्रेस ना लिया तुमने। अब कहाँ ढूंढोगी बच्ची को? कैसे लेती? आपकी रामीन के ड्रामे शुरू हो गए थे, अपने आप में उसने हमें ऐसा उलझाया कि साद और फराज की भी मत मारी गई। बस रहने तो तुम सारी बातें उस मासूम बच्ची पे थोप दिया करो। मासूम बच्ची? क्या हो गया अम्मा, हर वक्त आप पापा के पीछे पड़ी रहती। एक और हिमायती आ गए। जाओ भाई अपना काम करो, मेरा दिमाग नहीं खराब करो। तुम्हारे घर में जो रह रही हूँ, जूते तो खाने पड़ेंगे। मैं अपनी बेटी के लिए परेशान हूँ, मेरे बेटे घर के लिए ख्वार हो रहे हैं, और ये अम्मा, अम्मा को ताने देने का मौका चाहिए सिर्फ। क्या करती है अम्मा, कभी तो जाने दिया करें। अच्छा मैं जा रहा हूँ। जाओ भाई जाओ अपना काम करो, तुम्हारे लक्षण भी मुझे नजर आ रहे हैं। पता नहीं कितने हिमायती बन गए हो बहन के, अचानक से क्या हो गया। ये लें चाय। थैंक यू। आपने जो कुछ भी कहा था उसमें मैंने सोचा है और मैं आपकी बात से अग्री करती हूँ। माना कि उन्होंने खामोशी से निकाह कर लिया था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उनकी खुशी नहीं मना सकते। हाँ, एक छोटी सी तकरीब रख लेंगे, इसी बहाने बाकी सारे मेहमानों से भी मुलाकात हो जाएगी, फिर हमें वापस भी तो जाना है। ठीक है, तो मैं बात कर लेती हूँ फिर हुमायूं भाई से। बिल्कुल सही रहेगा। सिद्रा ये देखो, ये नोटिस आया है। कैसा नोटिस है ये? किस चीज का नोटिस है? उस्मान देखे जरा। ठीक है, ये तो बैंक की तरफ से आया है। इसका मतलब साद ने आखिरी इंस्टॉलमेंट जमा नहीं कराई। अंकल आप हॉस्पिटल के बाहर क्या कर रहे हैं? आईना, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। अरे कहाँ चले गए थे? राबिया फोन करती रही, तुमने वो भी नहीं उठाया। ओह, रिपोर्ट्स तो काशा की गाड़ी में भूल गया। सारी इंस्टॉलमेंट पे हो जानी चाहिए, मुझे अपने घर के पेपर्स एक हफ्ते में चाहिए। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। एक के बाद एक फ्रॉड पता चल रहे हैं इस फैमिली के। जिस दिन मुझे ये कंफर्म हो गया कि फराज ऐसे हैं, तो मैं 2 मिनट नहीं लगाऊंगी उन्हें छोड़ने में, जब मैं पहले 2 बार तलाक ले सकती हूँ ना। क्या तुम्हारी 2 दफा तलाक?